वेलकम टू SS डिफेंस Academy फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूँ SSC कांस्टेबल GD का जो एग्जामिनेशंस 22 अप्रैल 2012 को फर्स्ट शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था, और उस एग्जामिनेशंस में जो हिंदी सेक्शंस में 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे, आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सभी क्वेश्चंस को। फ्रेंड्स, आने वाले SSC GD एग्जामिनेशंस के लिए ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और साथ में आपको एक लेवल की जानकारी मिलेगा। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को भरोसा दिलाया हूँ कि जिस तरह मैंने 2011 से लेकर 2019 तक का आप सभी को शिफ्ट वाइज आपको GK GS का कलेक्शन दिया हूँ वीडियो के माध्यम से, साथ में ईबुक भी आप सभी को प्रोवाइड किया हूँ GK GS का, उसी तरह मैं आप सभी को 2011 से लेकर 2019 तक जितने भी ऑफलाइन मोड तथा ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुए हैं और हिंदी सेक्शंस में जितने भी क्वेश्चंस बने हैं, मैं डेली बेस पे शिफ्ट वाइज आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, तो चैनल से जुड़ जाइएगा। फ्रेंड्स, इसके पहले मैं आप सभी को जो 2011 में एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुआ था, जो 5/6/2011 को एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुआ था, उसके हम हिंदी के सभी क्वेश्चंस को करा दिए हैं, तो आप लोग यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। हम लोग अब डेली बेस पे एक एक शिफ्ट के सभी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और इस तरह हम लोग टोटल 2019 तक के क्वेश्चंस को देख लेंगे, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। वैसे मैं अपने चैनल के माध्यम से सभी हिंदी के टॉपिक वाइज सभी क्वेश्चंस कराया हूँ 2011 से लेकर 2019 तक, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस बने हैं टॉपिक वाइज, जैसे विलोम शब्द से क्वेश्चंस बने हैं, उसके बाद पर्यायवाची शब्द से बने हैं, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, लोकोक्ति, मुहावरे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करे, गद्यांश, इन सभी टॉपिक वाइज मैं आप सभी को क्वेश्चंस कराया हूं। तो आप यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट के जरूर चेक कीजिएगा, वैसे मैं लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, उसके माध्यम से आप सभी वीडियो को इजीली वॉच कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, देरी ना करते हुए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स, प्रॉपर ढंग से सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड कर दिया हूं, 25 क्वेश्चंस को। यहां पर मैं जो गद्यांश और अनुच्छेद से भी क्वेश्चंस आते हैं उसको भी इंक्लूड कर रहा हूं, ताकि प्रॉपर ढंग से एनालिसिस मिले आप सभी को। तो चलिए अब देखेंगे सभी क्वेश्चंस को। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए उस टाइम क्या है ना, 2012 में थोड़ा सा लेवल कम था, मतलब हाई लेवल का क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे और एक ही टॉपिक से लगभग 2-4 क्वेश्चंस पूछ दिए जाते थे, जैसे विलोम शब्द से 3 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछा गया है, पर्यायवाची से 3 क्वेश्चंस पूछा गया है। तो देखिए आप लोग लेवल देखते रहिएगा किस तरह इंक्रीज हुआ है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अनुरक्त का, यहाँ पर पूछा गया था विलोम शब्द, ऑप्शन था विरक्त, शाश्वत, निरत और आशक्त, तो ऑप्शन हो जाएगा अनुरक्त का विलोम शब्द हो जाएगा विरक्त। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सुख का विलोम शब्द क्या है, तो आप सभी जानते हैं विलोम का मतलब होता है उल्टा, सुख का हो जाएगा उल्टा दुख। नेक्स्ट देखिए थर्ड, आशा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो निराशा हो जाएगा, ऑप्शन ए है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का पर्यायवाची पूछा गया है, तो देखिए ऑप्शन था धारा, प्रकृति, कृषि, जनता, जनता मतलब लोग, कृषि मतलब ये तो नहीं होगा, प्राकृतिक भी नहीं होगा, तो पृथ्वी का पर्यायवाची हो जाएगा धारा, तो ये तीनों ऑप्शंस काम का नहीं है। वैसे और मैं बात करूं कि पृथ्वी का पर्यायवाची और क्या क्या होता है, तो धारा के साथ साथ भू, अचला, जमीन, धरणी, वसुंधरा, रत्न गर्भा, मही, वसुधा, क्षति, ये सभी क्या है, पृथ्वी के पर्यायवाची हैं, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। क्या पता आने वाले SSC GD एग्जामिनेशन में से इसी में से कोई सब दे दे और पूछ ले इसका पर्यायवाची बताइए। फाइव देखिए, दिन का पर्यायवाची पूछा गया था, तो देखिए दिन का पर्यायवाची ऑप्शन था दिवस, विपुल, निशि, अपराह्न, तो देखिए विपुल जो होता है ना ये अधिक का पर्यायवाची है, निशि जो है रात का पर्यायवाची है, अपराह्न जो है दोपहर के बाद के समय का पर्यायवाची है, जबकि जो दिवस है ना ये दिन का पर्यायवाची है। और बात करूँ दिन का पर्यायवाची और क्या क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं कि रविवार, वार जो होता है ना, जैसे आप लोग कहते हैं सोमवार, मंगलवार, तो वार जो है ये दिन का पर्यायवाची है। याम जो है, याम ये भी दिन का पर्यायवाची है, दीवा, प्रमाण, ये सभी, वाचर, ये सभी क्या है, दिन का पर्यायवाची है। सिख देखिए, छोटा भाई का पर्यायवाची बताना था, ऑप्शन था जलज, अनुज, अग्रज, आत्मज, तो देखिए जलज जो होता है ये कमल का पर्यायवाची होता है, अनुज जो होता है ना ये छोटे भाई, अनुज का मतलब क्या होता है, छोटा भाई, तो छोटा भाई का पर्यायवाची हो जाएगा अनुज, ऑप्शन बी सही है।
अगर बात करते हैं अग्रज, अग्रज मतलब बड़ा भाई होता है, आत्मज का मतलब होता है बेटा या पुत्र, यानी आत्मज जो है ये किसका पर्यायवाची है, बेटा पुत्र का पर्यायवाची है। और बात करूँ कि छोटा भाई का पर्यायवाची और क्या क्या होता है, तो देखिए छोटा भाई का एक तो ये होता है पर्यायवाची अनुज, उसके बाद कनिष्ठ और अनुजन्मा ये भी होता है। अब देखिए आपके जो 2012 में एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है उस टाइम तीन, यहाँ पर देखिए तीन तीन का चल रहा था सीरीज, लेकिन अभी जो सीरीज चल रहा है ना दो दो का, मैं आपको एग्जाम एनालिसिस दूंगा, वैसे टॉपिक वेज कराया हूँ, जैसे पहले तीन तीन क्वेश्चंस पूछा जा रहा था, जैसे विलोम शब्द से तीन क्वेश्चंस, मुहावरे से तीन क्वेश्चंस, लेकिन अभी जो एग्जाम चल रहा है 2019 में कंडक्ट हुआ था 54 शिफ्ट में, उसमें क्या है कि दो दो क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा है, तो उसको भी एग्जाम एनालिसिस दूंगा, चैनल से जुड़े रहिएगा। देखिए जिस कार्य को किया जाना असंभव हो, जिस कार्य को किया जाना असंभव हो उसके लिए एक शब्द बताना है, तो उसका एक शब्द हो जाएगा असाध्य। असाध्य का मतलब होता है जिस कार्य को किया जाना असंभव हो, एक शब्द में बोलेंगे असाध्य, इसे बोलते हैं अनेक शब्दों के बदले एक शब्द बताना होता है। एट देखिए जिसका विवाह ना हुआ हो, जिसका विवाह ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द बोलिए क्या होगा, तो अविवाहित होता है, अविवाहित मतलब जिसका विवाह नहीं हुआ हो। नहीं देखिए जिसका कोई उद्देश्य ना हो उसके लिए एक शब्द बताइए, तो निरु उद्देश्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए टेंथ, यहाँ से देखिए मुहावरे पूछा गया, जूता चाटनी, मुहावरे का अर्थ बताना है, जूता चाटना यानी क्या होता है, खुशामद करना, इसका मतलब हो जाएगा जूता चाटने का मतलब होता है खुशामद करना। 11 देखिए ऊँट के मुँह में जीरा, मुहावरे का अर्थ बताइए, तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम दे देना। अब मान लीजिए भोज में कोई खाने आया, ज़्यादा खाता है, लगभग 20-25 रोटी पूरी खाता है, रोटी नहीं मिलेगा तो 25 रोटी मतलब पूरी खाता है, और आप बताइए उसको 5 देकर बोलेगा कि अब घट गया, नहीं है भाई, तो क्या उस क्या कीजिएगा, उसके ऊँट के मुँह में जीरा देने के बराबर होगा। तो इसलिए देख लीजिएगा जो आपके भोज में खाने आता है, देख लीजिएगा किस टाइप के लोग हैं। उसके बाद देखिए रिक्त स्थानों के उचित शब्द द्वारा पूर्ति करें, मतलब उचित शब्द भरना होता है। इस ये जी अभी भी एग्जाम में ये रिपीट हो रहा है ऐसे क्वेश्चन, इस पे भी मैं टॉपिक वाइज बनाया हूँ, देख लीजिएगा। देखिए देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को डैश रहना चाहिए, ऑप्शन था प्रबुद्ध, संबद्ध, उद्धुत, उद्धृत रहना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन आंसर ये बिल्कुल सुटेबल होगा, ऑप्शन देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को उद्धृत रहना चाहिए। 13 देखिए डैश साधनों के होते हुए भी वे सुचारू रूप से जीवन निर्वाह कर रहे हैं, तो देखिए ऑप्शन था अपरिमित, अनुमति, सीमित, निर्मित, मतलब तो यहाँ आंसर हो जाएगा सुटेबल, सीमित साधनों के होते हुए भी सुचारू रूप से जीवन निर्वाह कर रहे हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए महापुरुषों का सबसे बड़ा डैश स्वाभिमान है, मतलब महापुरुषों का सबसे बड़ा स्वाभिमान क्या है, स्वाभिमान क्या होता है, तो देखिए ऑप्शन यहाँ था अहंकार, लक्ष्य, धन और गर्व, तो देखिए यहाँ पर सही बैठेगा धन, महापुरुषों का सबसे बड़ा धन जो होता है स्वाभिमान होता है, और कुछ नहीं होता है, महापुरुषों के लिए सबसे बड़ा धन स्वाभिमान होता है, तो यहाँ पर धन जो है सही फील होगा। अब देखिए यहाँ पर वाक्यों में त्रुटि वाले भाग को पहचाने, देखिए एक वाक्य दिया है मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है कोई त्रुटि नहीं, इस तरह देखिए मुझे जो है पार्ट ए है, रेलगाड़ी में यात्रा करना पार्ट बी है, अच्छी लगती है ये सी है, और कोई त्रुटि नहीं है ये पार्ट डी है, तो ये पार्ट में बताना है कि किस पार्ट में गलती है, इस तरह आपके एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ आपको दिखाई देगा मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती नहीं है, अच्छा लगता है, यात्रा करना अच्छी लगती नहीं कहा जा सकता है, यहाँ पर जो आप दिखा रहे हैं स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर नहीं होगा, अच्छा लगता है बोलिएगा, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है। अब देखिए 16 अपने अपने किताब बस्ते में डाल लो कोई त्रुटि नहीं, आपको बताना है किस पार्ट में त्रुटि है, गलत है इसमें, तो देखिए अपने अपने नहीं होता है, अपनी अपनी किताबें होगा, अपनी अपनी किताबें बस्ते में डाल लो, तो यहाँ पर त्रुटि है पार्ट ए में। अब देखिए 17 विद्यालय में ये पार्ट ए है जलपान की उत्तम प्रबंध है कोई त्रुटि नहीं, तो देखिए विद्यालय में जलपान की नहीं, जलपान का क्या होगा यहाँ पर, की नहीं होता है, जलपान का उत्तम प्रबंध है। अब देखिए यहाँ पर देखिए कौन सा वाक्य शुद्ध है पहचानना है, देखिए 4 दिए गए हैं सेंटेंस, इसको पहचानना है कि कौन सा सेंटेंस सुटेबल है सही है। तो देखिए यदि वर्षा
अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी, बिल्कुल सही सेंटेंस लिखा है। यदि वर्षा अच्छा होगा, अच्छा देखिए वर्षा जो होता है ना ये एक तरह से स्त्रीलिंग है, तो अच्छा नहीं होगा, अच्छी होगी। यदि वर्षा अच्छी होगी यहाँ पर अच्छी होगी तब यहाँ पर सही होता है, लेकिन यहीं पर गलत है, अच्छा लिख दिया गलत है। यहाँ पर भी अच्छा लिखा है, अच्छा अच्छे लिखा है यहाँ, ये अच्छे नहीं होगा। तो इस तरह आप लोग मैच कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर 19 नंबर, दिल्ली में हमने बड़ा 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 इमारतें देखी, नहीं नहीं ये गलत है। दिल्ली में हमने बड़ी बड़े इमारतें नहीं, दिल्ली में हमने बड़ो बड़ी इमारतें देखी, ये बिल्कुल सही है। बड़ो बड़ी होते हैं, कहीं पे आप जाते हैं तो बड़ो आगे बड़ो फिर बड़ी इमारतें देखी हैं, इस तरह बोलिएगा, ये सी पार्ट सही है। अब देखिए 20, ऐसी बातों पर ध्यान नहीं दी जाती है। देखिए अलग अलग टाइप का लिखा गया है, तो देखिए ऑप्शन जो बी सही है, यहाँ पर बी सही है। कैसे, देखिए यहाँ पर लिखा है ऐसी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, यहाँ पे ऐसी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अब देखिए सिर्फ ऑप्शन सी जो है, ऐसी बातों को ध्यान नहीं दिया जाता है, बातों को ऐसे नहीं, ऐसी बातों पर, बातों को नहीं बातों पर होगा, तो को के यहाँ पर तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये सी और डी इसी तरह गलत होगा और यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखिए 21 से लेकर 25 तक एक अनुच्छेद दिया गया था, इस अनुच्छेद में आपको फिल इन द ब्लैंक्स जो दिया गया था इसमें आपको भरना हो कि क्या होगा, इसके लिए चार ऑप्शंस भी दिए गए थे। देखिए जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे ये आप पढ़ेंगे उसके बाद यहाँ पर ऑप्शंस भी दिया रहेगा, यहाँ पर इसमें से विकल्प चुनना होगा। तो देखिए चलिए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। यहाँ पर है, कह रहा है कि मनुष्य एक डैश प्राणी है, मनुष्य एक डैश प्राणी है। 96 में देखिए ऑप्शंस क्या दिया गया है, नैतिक, स्वाभाविक, व्यवहारिक, सामाजिक। तो देखिए मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी होता है, क्या होता है, सामाजिक प्राणी होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब कह रहा है कि समाज के समाज के सुखी रहने पर ही वह सुखी रह सकता है, अतः उसे समाज को सुखी रखने की डैश करनी चाहिए। 96 में देखिए क्या है ऑप्शन, चेष्टा, कर्मठता, आकांक्षा, प्रेरणा। तो उसे क्या करना चाहिए, उसे समाज को सुखी रखने के लिए चेष्टा करनी चाहिए, तो यहाँ पर चेष्टा हो जाएगा 97 में। उसके बाद देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि उनके पास समाज सेवा के लिए समय का अभाव है, वह खोखला डैश है, वह खोखला डैश है, तो ऑप्शन देखिए 98 में क्या क्या है, तथ्य, सत्य, तर्क, प्रश्न। तो देखिए ये जो उनका जो लोग कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि उनके पास समाज सेवा के लिए समय का अभाव है, वह खोखला एक क्या होता है, तर्क होता है और कुछ नहीं होता है। अब देखिए यदि हमने समाज सेवा की डैश इच्छा है, डैश इच्छा है, यहाँ पर 99 में देखिए क्या इच्छा है, 99 में ऑप्शन दिया था मौलिक, विचित्र, प्रबल, स्थिर। तो हमें देखिए यदि हमें समाज सेवा की प्रबल इच्छा है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रबल इच्छा है, तो हम हर स्थिति में समय निकाल सकते हैं, इसके लिए दृढ़ डैश शक्ति की आवश्यकता है। तो 100 में देखिए ऑप्शंस क्या है, दृढ़ संकल्प की, देखिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शंस बी सही हो जाएगा, दृढ़ संकल्प शक्ति की आवश्यकता होगी। तो इस तरह आपको सूटेबल जो भी मिले ऑप्शंस उसको भरना होता है। तो ये रहा आपको 25 क्वेश्चन, इसके देखिए ये पार्ट वन है जिसमें हम लोग प्रथम पाली के क्वेश्चन देखें, 22/4/2012 के क्वेश्चंस, अब सेकंड सिप के मैं क्वेश्चंस करा दूंगा 25। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एनालिसिस में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद।